हर हर शंकर जय जय शंकर। हरियाणा यमुना नगर का साढ़ोरो का गांव झंडा। गांव झंडा की उत्तरी दिशा में शिवालिक की पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर का महाभारत काल से संबंध बताया जाता है। गांव झंडा से इस मंदिर को जाने वाले 2 किलोमीटर लंबे रास्ते की चढ़ाई एकदम तीखी है। इस रास्ते को कुछ समय पहले ही मंदिर कमेटी के प्रधान ने पक्का बनवाया है। इस कठिन रास्ते को तय करने के बाद पहाड़ी की चोटी पर शिव मंदिर के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि मंदिर परिसर में मौजूद बरगद के पेड़ से ही बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखा था। इसके अलावा महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों द्वारा इस जगह पर शिवजी की आराधना करने की भी बात प्रचलित है। इस मंदिर में स्वयंभू प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। कुछ साल पहले शिवलिंग को गांव में स्थापित करवाने के लिए खुदाई करवाई गई, तो इस शिवलिंग की गहराई अथाह पाए जाने पर ग्रामीणों को खुदाई का काम रोकना पड़ गया था। इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए मंदिर सभा द्वारा यहां निरंतर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। कई साल से चल रहा इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। इसके तहत मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करने के अलावा यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दानी सज्जनों के सहयोग से पार्किंग, विश्राम स्थल, पेयजल, शौचालयों व भंडारा गृह का निर्माण किया गया है। वर्तमान में यहाँ यज्ञशाला का निर्माण भी चल रहा है। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर परिसर में विशेष सजावट की जाती है। शिवलिंग का फूल, फलों व चंदन से विशेष श्रृंगार किया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर कमेटी द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। वैसे तो मंदिर में रोजाना ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सावन मास के दौरान यहां पूजा करने वालों का तांता लगा रहता है। बाबा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।